नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से ज्यादा मामले। ईवीएम का बटन दबाने से पहले चेहरे से हटाना होगा मास्क। बिहार सरकार ने फरक्का बराज को लेकर फिर उठाया मुद्दा। रक्षा मंत्रालय में निकाली गई 458 सरकारी नौकरियां। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ की बैठक। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 102 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 782 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 3, बांका में 2, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 2, बक्सर में 1, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 2, गोपालगंज में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 3, किशनगंज में 3, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 1, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, नवादा में 3, पटना में 11, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, सारण में 5, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 3, सुपौल में 5, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,22,096 सैंपल की जांच हुई है। वहीं 108 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। ईसीआर 86 ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की तैयारी में। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद से पूर्व मध्य रेलवे सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 86 और ट्रेनों को फिर से चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी गई है। इसके साथ ही 30 जोड़ी लोकल ट्रेनों का परिचालन एक ही दिन शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि कोरोना काल से पहले 307 जोड़ी मेल एक्सप्रेस तथा 190 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाता था। कोरोना के बाद पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशन के लिए फिलहाल 279 जोड़ी मेल एक्सप्रेस तथा 74 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इधर लोकल ट्रेन के परिचालन को लेकर दैनिक यात्री काफी दबाव बना रहे हैं। लोकल ट्रेन के परिचालन के लिए पटना आरा रेलखंड के संदेशोपुर स्टेशन पर सोमवार और मंगलवार को यात्रियों ने यातायात को रोका। ईवीएम का बटन दबाने से पहले चेहरे से हटाना होगा मास्क। बिहार में पंचायत चुनाव में हर एक मतदाता को मतदान से पहले कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले साझा की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग के दौरान सभी मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मतदाताओं के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। तो साथ ही पहचान के क्रम में मतदाताओं को चेहरे से मास्क हटाने का निर्देश जारी किया है, ताकि किसी प्रकार का विवाद मतदान स्थल पर उत्पन्न ना हो सके। मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रिया के तहत ही संचालित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए हैंड ग्लव्स को निर्धारित कूड़ेदान में डालने का निर्देश भी दिया। बिहार सरकार ने फरक्का बराज को लेकर फिर उठाया मुद्दा। फरक्का बराज को लेकर के लगातार बिहार सरकार अपना पक्ष सामने रखती रही है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की चपेट देखने को मिल रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर से फरक्का बराज का मुद्दा उठाया है, जिसके तहत जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने के मुद्दे पर भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता का दौरा दशकों से जारी है। इतने साल बीतने के बावजूद अपेक्षित परिणाम निकलकर सामने नहीं आए हैं, जिसके तहत एक बार फिर से फरक्का बराज की जल निकासी क्षमता और गंगाजल में अंतर राज्य और अंतर्राज्यीय हिस्सेदारी पर पुनर्विचार का मुद्दा उठाया गया है। फिलहाल स्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय में निकाली गई 458 सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए अहम सूचना। रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न डिपो में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए रक्षा मंत्रालय ने सीओ 56 एपीओ 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो के विभिन्न पदों की कुल 458 रिक्तियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना के भर्ती पोर्टल indianarmy.nic.in पर उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के साथ विज्ञापन में दिए गए पते पर ऑफलाइन जमा कराना होगा। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से दिनों के भीतर यानी कि 30 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। पंचायत चुनाव में जनसंख्या कानून को लेकर सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान।
बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भी दो से अधिक बच्चों वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बिहार में यह व्यवस्था पहले से लागू है, अब सरकार इस नियम को पंचायतों तक ले जाना चाहती है। पंचायत चुनाव में भी दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नगर पंचायत की इस तरह उन्हें ग्राम पंचायत चुनाव भी लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर अभी काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक नियम बनेगा तो इसे लागू होने में एक साल लगेगा, एक साल बाद ही यह प्रभावी होगा। संभावना है कि यह कानून साल 2026 में प्रभावी हो जाएगा। इस बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि इस साल 2021 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जनसंख्या कानून का कोई लेना देना नहीं है। पहले की तरह जो दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव लड़ते रहेंगे। कोर्ट में निचली अदालत को फिजिकली खोलने के लिए याचिका दायर। कोविड 19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट में भी पहले की तरह व्यवस्था बहाल करने की तैयारी हो रही है। इसी क्रम में बीते दिन पटना हाईकोर्ट में हाईकोर्ट समेत राज्य के जिला और निचली अदालत में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नामक संस्थान की तरफ से यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि कोविड 19 महामारी के कारण पिछले साल मार्च महीने में अब तक पटना हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में सामान्य कामकाज लगभग ठप हो गया है। 4 जनवरी 2021 से पटना हाईकोर्ट में सर्जिकल कोर्ट प्रारंभ हुआ था, इसके साथ ही लेकिन कोविड 19 की दूसरी लहर आने के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से मामलों की सुनवाई की जाने लगी है। श्रवण कुमार ने बैंक से की अपील। जीविका समूह को लेकर ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मंत्री श्रवण कुमार ने सभी बैंक से खास अपील की, जिसके तहत मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका समूह के द्वारा ऋण लौटाने का अनुपात तकरीबन 98% है। इसके बावजूद बैंकों द्वारा जीविका समूह को ऋण देने में काफी उदासीनता देखने को मिलती है। बैंक धनपति और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण देने में थोड़ा भी देर नहीं करती, जबकि ज्यादातर डिफॉल्टर बड़े लोग ही बैंक के होते हैं। बैंक गरीब और आम जनता को ऋण देने में महत्व जरूर दिखाए। जीविका समूह के द्वारा ऋण लौटाने का रेट काफी बेहतर है, लेकिन आज भी बैंक के द्वारा जीविका समूह को ऋण देने में बढ़ती जा रही उदासीनता जग जाहिर है। आपको बता दें वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की तरफ से जीविका समूह को ऋण देने का लक्ष्य 1,29,000 करोड़ रखा गया है। हालांकि इसमें कितना ऋण बैंक द्वारा निर्गत किया जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विशाल आदित्य सिंह की। विशाल आदित्य सिंह का जन्म बिहार के आरा में हुआ था। विशाल सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिहिया भोजपुर जिला बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उनका एक छोटा भाई कुणाल सिंह है। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद वो अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आ गए। सिंह ने अपने टेलीविजन अभिनय की शुरुआत साल 2010 में सागर फिल्म प्रोडक्शन जय जय शिव शंकर महुआ टीवी पर एक भोजपुरी धारावाहिक में मुख्य प्रमुख अवधेश ठाकुर के रूप में की थी। उनकी पहली हिंदी टीवी भूमिका 2011 में ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त मौर्य में थी, जिसमें वो शशांक के रूप में दिखाई दिए थे। हालांकि उन्हें लोकप्रियता उनके बेगूसराय सीरियल से मिली थी, जिसके बाद अब वो बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन में एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। अगर हम जिलावार मौसम का हाल जाने तो बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। वहीं वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। कोविड 19 संक्रमितों की संख्या में आई कमी को देखते हुए प्रशासन ने कई तरीके से छूट लगा दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक बीसीएच नेगी को पत्र भेजकर अब विमानों से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि कोविड 19 के वर्तमान माहौल को ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए विशेष टीम को तैनात किया गया। सभी यात्रियों को जांच कराना अनिवार्य नहीं गया है, परंतु संदेह होने पर अथवा यात्रियों की इच्छा पर उनकी जांच कराई जा रही है। आपको बता दें इससे पहले मुंबई, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट यात्रा के 72 घंटे के अंदर लाना अनिवार्य था।
पटना हाईकोर्ट में बीसीए अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम पर हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। दरअसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने यह आरोप लगाया है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा और अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इस बाबत उन्होंने बताया कि 29 सितंबर 2019 के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। इस दौरान राकेश कुमार तिवारी ने अपने आप को गोपालगंज जिला क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बताकर बीसीए का चुनाव लड़ा था। प्रावधान के तहत राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी होने पर ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और इसके अध्यक्ष के सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। पैसा जमा करने आई एक महिला के पास से निकला 21,000 का जाली नोट। यह मामला शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पर वीआईपी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में एक महिला श्रमा परवीन को जमीन बेचने के एवज में खरीदार ने 3.5 लाख रुपए दिए थे। वहीं 3.5 लाख रुपए महिला श्रमा परवीन बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने के लिए आई थी, जो बैंक कर्मचारियों ने जब नोट की जांच करना शुरू किया तो 542 नोट मिले, जो कुल मिलाकर 21,000 रुपए नकली थे। इसके बाद इसकी जानकारी तुरंत डीएसपी सुरेंद्र प्रसाद को दी गई, जिसके बाद एसडीपीओ ने बैंक जाली नोट का अवलोकन करना शुरू कर दिया। बैंक मैनेजर ने कहा कि नोट जांचने की मशीन काफी दिनों से खराब पड़ी थी, लेकिन जांच किए जाने के बाद 21,000 के फर्जी नोट बरामद हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ की बैठक। बीते दिन पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी का फीडबैक लिया गया। इतना ही नहीं, बैठक में आयोग ने सभी जिला अधिकारी से चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी साझा की है। वहीं इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों पर खास ध्यान देते हुए विशेष तैयारी करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे जगह पर बूथ को लेकर सर्वे का आदेश जारी हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पंचायतों से पूरी तरह पानी निकालने की संभावना कम है, ऐसे में मतदाता भी बाढ़ राहत शिविर में रहते हुए उनके चुनाव में भागीदारी बनाई जाए, इस बात की योजना पर काम करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के मामलों में आ रही गिरावट के बाद अब संभावित अगस्त सितंबर में चुनाव करवाने की योजना पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीवी मरीज को चिन्हित करने का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन कोविड-19 के माहौल के बीच टीबी के मरीजों को लेकर अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत ऐसे मरीजों को चिन्हित करने के लिए अब और ज्यादा आसान तरीका अपनाने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ट्रूनेट मशीन से कोविड-19 के अलावा अब टीबी मरीजों की जांच भी की जाएगी। इसको लेकर IGIMS और सहित PMCH और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य और सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, 2020 और 2021 में जिलों के विभिन्न अस्पताल को कुल मिलाकर 170 ट्रूनेट मशीन कोविड-19 टेस्ट के लिए दिए जा चुके हैं। अब इन मशीनों द्वारा टीवी की जांच भी की जा सकती है। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर पटना जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पटना के हिंदी भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बीते दिन जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में वर्षा जल संचयन का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार, सूखा तक और फिर निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक खेती आदि बिंदुओं के तहत संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वैसे विद्यालय भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र, जिसका 3,000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक है, उसमें बारिश जल संचयन का काम भी किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिला अंतर्गत 873 विद्यालय भवनों में रेन वाटर वेस्टिंग का लक्ष्य है। इसमें कुल मिलाकर 161 भवन के लिए आवंटन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 129 भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का शुरू करेगा उत्पादन। कोविड-19 के इस लड़ाई में भारत को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और बड़ी राहत मिलने वाली है, जिसके तहत रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन जल्द ही भारत में शुरू होने वाला है। खबरों की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर में इस वैक्सीन के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने वाला है, जिसकी जानकारी रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्री ने दे दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कुछ नए निर्माता भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार है। रूस की दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सालाना $300 मिलियन के उत्पादन का एक सौदा कर चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पप्पू यादव ने कसा तंज। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार एनडीए में अलग अलग विचारधारा देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के आयोजन के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बात से साफ इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही सम्राट चौधरी ने इसे वक्त की मांग बताया है। वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू करना चाहते हैं, वो अगर 5-7 भाई बहन है या उनके 4-5 बच्चे हैं तो खुद
उदाहरण पेश करे। जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति छोड़ दे, खुद चुनाव न लड़े, सरकार चलाने में फेल तो वोट के लिए करने लगे खेल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले प्रशांत किशोर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर बीते दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राहुल प्रशांत किशोर की मुलाकात के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, इन दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस की पंजाब इकाई में कलह चल रहा है। प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कुछ महीने पहले ही अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया था। 15 जुलाई को लोजपा सांसद चिराग पासवान आएंगे बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी में इन दिनों टूट देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब चिराग पासवान अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की पहल में नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि 15 जुलाई को एक बार फिर से चिराग पासवान बिहार आने वाले हैं, जहां वो बिहार आकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि 16 जुलाई से कटिहार से चिराग दूसरे चरण की आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही 17 जुलाई को पूर्णिया और 18 को अररिया में चिराग की आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होगा। इसकी सारी तैयारी की जा रही है। संजय पासवान ने इस बाबत बताया कि चिराग पासवान ने खुद को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर दी सफाई। उपेंद्र कुशवाहा पर उनके पद को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके जवाब में कुशवाहा ने सफाई दी है। इस बाबत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के संविधान में विशेष शक्ति है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, बस उसको कार्यकारिणी से स्वीकृति और समर्थन चाहिए। हाँ, यह अभी तक नहीं हो पाया है, मगर जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें इस पर निर्णय हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर अपना बयान दे चुके हैं, इस पर मेरा बोलना अब कोई मायने नहीं रखता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठाए जाने लगे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1636 में औरंगजेब को दक्कन का वॉइसरॉय नियुक्त किया। जयपुर में 1969 को मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 85 लोगों की मौत हुई। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण का जन्म 1656 में हुआ था। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 1856 में हुआ था। प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्ता का जन्म 1900 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन 1975 में आज ही के दिन हुआ था। अपने साथी यशपाल शर्मा के गुजर जाने पर रो पड़े कपिल देव। बीते दिन क्रिकेट जगत को बड़ा झटका लगा है, जब भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया, जिसके बाद पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनके गुजर जाने की खबर सुनकर 1983 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान रहे कपिल देव भी काफी भावुक नजर आए। कपिल देव से जब पीटीआई ने संपर्क किया तो वो काफी ज्यादा दुखी और बोलने की स्थिति में नहीं थे, और सिर्फ इतना ही बोल पाए कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसके साथ ही कई लोगों ने भी यशपाल शर्मा के गुजर जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,890 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,890 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में बीते दिन पेट्रोल की कीमत 103.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.30 रुपए प्रति लीटर था। गूगल मीट ने ग्रुप कॉल पर लगाई टाइम लिमिट। अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपने वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन गूगल मीट में टाइम लिमिट लागू कर दी है, जिसके तहत अब गूगल मीट के यूजर सिर्फ 60 मिनट के अंदर ग्रुप वीडियो कॉल होस्ट कर पाएंगे। यह समय सीमा एक यूजर के लिए लागू की गई है जो गूगल मीट का मुफ्त में उपयोग कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल ऐलान किया था कि जून 2021 तक वीडियो कॉल पर समय सीमा नहीं लगाई जाएगी, जिसके तहत अब गूगल में 60 मिनट के लिए तीन या तीन से ज्यादा यूजर वीडियो कॉल करने की सीमा लगा दी गई है। 55 मिनट पर सभी यूजर के पास नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो कॉल की समय सीमा खत्म होने वाली है, 60 मिनट पर वीडियो कॉल समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस दौरान वन ऑन वन कॉल पहले की तरह फ्री रहेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनीशा गुड़िया, सोनू कुमार, नीतीश कुमार, लाला कुमार, जयप्रकाश यादव, विवेक कुमार, मुकेश कुमार यादव, राजीव रंजन, सत्यप्रकाश कुमार, निकिता कुमारी, सविता रॉय, प्रीति यदुवंशी, सिंधु कुमारी, सरोज कुमार, मोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस नेता ने बिहार का मान बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।